हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा वी विल स्टडी नाउ चैप्टर नंबर 12 एल्जेब्रिक ऑफ एक्सप्रेशंस की एक्सरसाइज 12.5। टॉपिक डिवाइड ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? हमें डिवाइडेड करना है -56 m² npc बाई 14 m npc इसको। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस, जब ये नंबर हैं तो माइनस के 56 m² np अपॉन 14 m np। बेटा ये जो कोस्टेंट से कोस्टेंट, m से m वाली टर्म्स को, n से n को कैंसिल करते हैं तो 14 फोर जा कितना होता है बेटा 56, तो दैट इज माइनस के 4 आ गए। m से m स्क्वायर को डिवाइडेड किया तो एक m पावर आ जाएगी क्योंकि एटलीस्ट वन पावर लेस देन हो जाएगी। n से n कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, तो ये दोनों टर्म तो आपस में कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, तो रिजल्ट क्या आ गया बेटा माइनस के 4 m n। अब हमें इसे से डिवाइडेड करना है तो इसका बी पार्ट 72 x² y² z² को अपॉन डिवाइडेड बाई 8 x² y² z से करना है। पहले 8 से 72 को डिवाइडेड करो, जब 8 से 72 को डिवाइडेड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 9 जाता है 72। x से x की 2 को डिवाइड करें तो 2 में से ये 1 पावर, जो इसकी 1 पावर है वो लेस देन हो जाएगी, तो 2 में से 1 पावर रहेगी, कितना आ जाएगा बेटा x आ जाएगा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को एलिमिनेट करा, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। जेड से जेड की 2 को डिवाइडेड करेंगे तो क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा, तो क्या रिजल्ट एंड आ जाएगा 9 x z। क्यों? 8 से इसे डिवाइड करके तो 9 आ जाएगा, इससे से डिवाइड करके x आ जाएगा, वाई की 2 से वाई की 2 कैंसिल हो जाएगी कम्प्लीट रूप से, और जेड से जेड की 2 को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा, तो क्या रिजल्ट एंड आ जाएगा 9 x z। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है, इसको डिवाइडेड बाई 5 m से करना है, तो हम इस टर्म को इस तरीके से भी कर सकते हैं, दैट इज ये हमारे पास सबसे पहले कोई नंबर ऑफ टर्म्स है, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से सब में से यहाँ तक की नंबर्स में से अब ऑलरेडी क्या ले सकते हैं बेटा, यहाँ तक आप 5m कॉमन ले सकते हैं, तो आपने इसको सेपरेटेड कर लिया, तो यहाँ से आपने 5m कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया बेटा m की पावर 3 6m² प्लस 5m माइनस 9, लेकिन प्लस 10 ये सेपरेट रहा, और इसको डिवाइडेड बाई किससे करना है, इनको डिवाइडेड बाई करना है हमें 5m से। हमने जो ऊपर ले वाली सारी टर्म्स थी इनमें से तो 5m बाहर ले लिया, प्लस 10 कोस्टेंट वाले को अलग ले लिया क्योंकि इसमें से 5m कॉमन नहीं ले सकते हम। अब हमने क्या करा बेटा, इसको सेपरेटेड कर दिया, जब हमने इसे सेपरेट करा तो एक बार इससे इसको डिवाइडेड करा, एक बार इसे इसको डिवाइडेड कर दिया, तो दैट इज ये रिजल्ट एंड हो जाएगा 5m ब्रैकेट m की क्यूब माइनस 6m² प्लस 5m माइनस 9 अपॉन 5m माइनस प्लस की क्वांटिटी है 10 अपॉन 5m। 5m से ये 5m कैंसिल हो गया, तो ये तो आ गया m की क्यूब माइनस 6m² प्लस 5m माइनस 9, और जब हम इसे सोल्व कर रहे हैं तो 5 से हम 10 को डिवाइड कर सकते हैं 2 आ जाएगा, तो प्लस 2 अपॉन m, दैट इज 2 अपॉन m जो पावर है हम उसको क्या लिख सकते हैं m की पावर माइनस 1 पावर में भी रोटेट कर सकते हैं, ये हमारे लिए ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यदि हम इस पावर को नेगेटिव में लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे बेटा 2m⁻¹। नेक्स्ट इसी का एफ पार्ट, इस बार हमें 4 एक्सिस से डिवाइड करना है, तो हम एटलीस्ट इस रिजल्ट में ये देखते हैं कि सारे रिजल्ट में 4 इसमें भी कॉमन है क्योंकि दिस इज द मल्टीपल बाय 4 एंड x इज द लोवेस्ट, तो इसमें से सब में से पहले ये टर्म्स ले लेते हैं, तो पहले लिखते हैं 24x⁴ प्लस 12x³ प्लस 16x² - 8x। इसको डिवाइडेड बाई किससे करना है बेटा 4x से, तो ऊपर जो भी टर्म है उसमें से हमने सब में से 4x कॉमन ले लिया, जब 4x कॉमन लिया तो इससे से डिवाइड किया तो ये तो कितना आ गया 6x³ प्लस 4 3 12 3x² प्लस 4x से डिवाइड किया तो 4x और माइनस 2 अपॉन 4x। 4x से बेटा ये 4x क्या हो गया कैंसिल, तो 6x³ प्लस 3x² प्लस 4x माइनस 2। तो इस तरीके से बेटा इन क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं कि इनमें से जो भी टर्म्स कॉमन है जिससे इसे डिवाइडेड करें, चाहे आप उन्हें टर्म वाइज सेपरेट कर सकते हैं, पहले 4x इसको डिवाइड करो, फिर 4x इसको डिवाइडेड कर दो, फिर 4x इसको डिवाइड कर दो, फिर 4x से सबके अपॉन में 4x अपॉन 4x अपॉन 4x अपॉन 4x करके सेपरेट वाइज कर सकते हैं, ये इसके अपॉन में ये इसके अपॉन में, और वैल्यू एग्जिस्ट कर सकते हैं, तब भी आपके लिए आंसर आ जाएगा।